वेलकम बैक टू गाइज अनदर व्लॉग। और मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर पंडाल हॉपिंग करने। एकदम 10:30 बज रहा है, रात नहीं, अभी रात का 10:30 बज रहा है, अभी बज रहा है 11:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है। और मैं निकल गया पंडाल हॉपिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे दो दोस्त आ रहे हैं और मेरे बहन है, सबके साथ निकल गए यहाँ पर पंडाल हॉपिंग के साथ। और फुल नाइट आउट करना है, यो गाइस फुल नाइट आउट करना है। तो गाइस मैंने तो लिस्ट बहुत सारा किया है, देखते कंप्लीट कितना कर पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज जा रहे हैं पूरा साउथ घूमने के लिए। तो इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं अपने पहले बड़े पंडाल के लिए। ये जो आप हालत देख रहे हैं सड़क की, आपको लग रहा होगा ये भगदड़ मचा हुआ है, पर यहाँ पर हम लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ट्रैफिक रोक के दोनों साइड का। इधर भी ट्रैफिक रुका हुआ है, इधर भी ट्रैफिक रुका हुआ है और ये रास्ता क्रॉस हो रहा है। फिर रास्ता क्रॉस करके इस भीड़ के पीछे पीछे हम पहुंच जाते हैं ये एक छोटा सा माँ का पंडाल, जो आपको दुर्गा पूजा में हर गली गली में दिख जाएगा। आखिर यही तो कोलकाता की स्पेशलिटी है। और यहाँ से फिर से एक बार रास्ता क्रॉस करके हम अपने बड़े पंडाल के, पहले बड़े पंडाल के और नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो गाइस हम लोग हैं अभी यहाँ पर 66 पालनी में और ये है यहाँ का पंडाल। तो भाई ये मट्टी से बना हुआ है जो दिख रहा है, आप देखिए यहाँ का थीम जो है यहाँ पर। बाहर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये माँ का चेहरा है ये वाला। हम अंदर से हम लोग मूर्ति देखते हैं। यहाँ हमारा घूमना हो गया और यहाँ से निकलते ही हम डिस्कवर करते हैं ये जंगल जैसे थीम पर बना हुआ मंडप। तो गाइज हम लोग अभी आ गए बादाम तला अग्रोनी सॉन्गो और चले जा रहे हैं अभी हम लोग। फिलहाल कुछ हम लोग को अभी तक थीम का दिख नहीं रहा है, लेकिन भीड़ के साथ जा रहे हैं हम लोग, तो मिल तो जाएगा ही कहीं ना कहीं जाके। तो चलते अभी देखते हैं क्या थीम बना है यहाँ का। भाई अभी पूरा एक्साइटमेंट में, पूरा जोश में। कल सुबह 4 बजे मैं उठा था और आज दोपहर में मैं सोया नहीं हूँ घर आके, और उसके बाद फिर वापस निकल गया। बंगाली हो गाइस, जोश अंदर भरा हुआ है पूरा, बूम बम। ये कुछ गाइस अपना पेड़ वाला कुछ थीम है यहाँ पर, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर चारों तरफ पेड़ और पेड़ है। और सामने में राइट में है माँ का मूर्ति है, तो देखते हैं अभी माँ का मूर्ति का क्या थीम बना हुआ है। ये है हमारी माँ का मूर्ति गाइस, और काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है ये मूर्ति, मतलब बाकी सब जगह मूर्ति से थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। महिषासुर भी यहाँ पर थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर महिषासुर का जो वो होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, बफलो को यहाँ पर महिषासुर बना दिया गया है। काफ़ी सही दिख रहा है ये वाला थीम के साथ, पूरा प्रॉपर मैच किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट बिग मंडप और पंडाल आप कह सकते हैं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम एक बार घूम फिर कर वहीं क्रॉसिंग पर आ जाते हैं जहाँ से हमने अपने पहले पंडाल की हॉपिंग की शुरुआत की थी। वैसे दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है, वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय कोलकाता पुलिस। वो पूरे दुर्गा पूजा में इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा से ट्रैफिक मैनेज करते हैं कि गाइज उनके लिए एक सल्यूट तो बनता है। तो मेरे तरफ से हैट्स ऑफ टू कोलकाता पुलिस। बोल 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 जिंगू भाई, आगे आगे तो बोलो भैया, अचंभा बोले लज्जा लग रहा है भाई मेरे ऊपर बोले। अच्छा तोर घुरे केमन लागिस सेटा बोल। विशाल विशाल भाई, हरियो फिनिश। 3 दिन धरे जे घुचछे घूमटुम पाछ ना, तो जीवनटा एरकम चोखटा किंतु लाल हो गेछे। तो गाइस बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ से हम सीधे निकल पड़ते हैं चेतला क्लब के लिए, जो जाना जाता है हर साल अपने यूनिक मूर्ति और यूनिक पंडाल के लिए।
तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो है चेतला ऑगरोनी क्लब है। तो इसका जो अवार्ड विनिंग है, मतलब कि इतने सालों में जो जो जैसा जैसा टाइप का अवार्ड जीता हुआ है हर एक जगह से, उसका यहाँ पर प्रदर्शनी मतलब कि शोकेस किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चेतला ऑगरोनी क्लब। गाइस ओ माय गॉड, बाहर से क्या चमक रहा है भाई भाई भाई। लेट्स सी थीम क्या है इसका। चेतला के मंडप को देखने के बाद हमें लगती है भूख, तो भगदड़ में हम निकल पड़ते हैं इस भीड़ के साथ। बगल में ही एक मेला था, वहां पर आ जाता है। लेकिन गाइस हम लोग यहां पर खाते नहीं है क्योंकि तुल रे काका तुल रे, यहाँ पर हम लोग का फोटो शूट चल रहा है। मैं यहाँ बंदर बना हूँ, वो उधर एस्थेटिक बना है, उधर कैमरा मैन है, सबको अपना अलग अलग काम कर रहा है यहाँ पर। तुल 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 एक तुल तो आप समझ गए होंगे क्यों नहीं खा पाए हम लोग बिल्कुल, क्योंकि भाई ऑब्वियसली नाइट आउट है, दोस्तों के साथ निकले हैं, तो मस्ती करते करते कब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कब हम भूल जाते हैं चीजों को पता ही नहीं चलता। हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी अलीपुर सर्वजनीन, और ये है गाइस इनका थीम है यहाँ पर। यहाँ पर तो भाई मंदिर है, ये वाला रियल मंदिर है, यहाँ पर है थीम। ओ माई गॉड, यहाँ टूटा फूटा कुछ एम्बुलेंस है, फोड़ फाड़ के रख दिया है। और ये भाई मुझे लग रहा है सिप, ये है सिप, यस दिस इज सिप। और यहाँ पर कुछ फेंक दिया है, माय गुडनेस, फेक लैम्प फेंक दिया। और ये भाई चिकन रोस्ट हो रहा है क्या? हाँ हाँ ये चिकन रोस्ट हो रहा है। ए आया आया, सिप का ही थीम है। तो चलते हैं हम लोग अंदर, दिखाते हैं आपको। हम लोग गाइस वहाँ से आए थे, उस जगह से ब्रिज है थोड़ा सा यहाँ पर नीचे उतर के। और भाई यहाँ का जो मूर्ति बना है, उफ माँ दुर्गा का, क्या सुंदर लग रहा है यहाँ पर, क्या सुंदर। वैसे गाइस आप लोगों ने ध्यान दिया होगा नहीं, वहाँ पर जो मूर्ति का जो पूजा होता है वो नीचे में वहाँ पर है, मैं उस साइड से जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये है आपका मेन, यहाँ पर लक्ष्मी गणेश कार्तिक सब पूरे बैठे हुए हैं। यहाँ पर बीच में सिंघो जी का फोटो है यहाँ पर, और यहाँ पर माँ दुर्गा का टोटल चार बड़ा बड़ा प्रतिमा बनाया गया, और चारों में अलग अलग काम दिखाया गया, मतलब सोसाइटी का जो भी होता है काम ये वाला। इस पंडाल से सीधे निकलकर हम आ गए साउथ के दूसरे साइड देशोप्रियो पार्क के पास खाने, जहाँ हुआ सबसे बड़ा स्कैम। तो गाइस हम लोग अभी थक वक के एकदम यहाँ पर चूर चूर हो गया भाई, भूख लगा है बहुत गंदा वाला। हम लोग यहाँ पर देशोप्रियो पार्क है, इधर साइड बहुत सारा है पंडाल, तो उससे उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर आ गए खाने के लिए। दुर्गा पूजा में निकले नाइट आउट के लिए, और हमारे साथ कुछ एडवेंचर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ हमें पहले सीट खाली रहने के बावजूद एक आवर वेट करवाया गया, उसके बाद हमें सीट देने के बाद जो मेन्यू मिला गाइस उसमें से आधा से ज़्यादा मेन्यू था ही नहीं, तो वो लोग खुद अपने से ऑर्डर कर दिए चिकन फ्राइड राइस और वेज फ्राइड राइस, पनीर मंचूरियन, चिली चिकन गार्लिक। तो हम लोग को मिल गया है थोड़ा सा जगह यहाँ पर, यहाँ पर ये टेबल मिला है हम लोग को भाई, बहुत देर वेट किया। हम लोग आते हैं अभी, ऑर्डर वॉर्डर किया है, दो तीन आइटम कुछ था नहीं, यही हम लोग कुछ बोलने गए आइटम और ये इन बोले कि है ही नहीं हम लोग के पास, तो खुद से ही दे दिए ऑर्डर, चलो भाई ला दो अब क्या बोला है। और हुआ कुछ यूँ कि ये भी आने में एक घंटा लगभग लग ही गया, बट असली स्कैम हुआ आने के बाद, खाना आने के बाद। जी हाँ गाइस खाना आया, और जब मैंने टेस्ट किया गाइस बस दो चम्मच, तो भाई क्या बोलूँ मैं, फुल स्कैम निकला गाइस। लग रहा था पुराना खाना दे दिया गया हमें, तो भाई एकदम वर्स्ट क्वालिटी का खाना था, मैंने खाया भी नहीं पूरा और निकल गया वहाँ से।
तो गाइस अभी हो रहा है 4:34 और अपना सेकंड शिफ्ट चालू हो चुका है, मतलब फेज टू घूमने का। और फर्स्ट अपना फेज टू का पंडाल है ये देसोप्रिय पार्क। कुछ घंटा घंटा मुझे लग रहा है कि घंटा है, कुछ घंटा यानी कि बेल। दूर से तो भाई मस्त लग रहा है। तो हम आ गए हैं देसोप्रिय पार्क में और ये पीछे मुझे थीम समझ में नहीं आ रहा क्या है, लग तो मुझे घंटा ही रहा है, आगे का नहीं पता क्या है। अंदर जाके मूर्ति देखना है। अभी फुल ड्रेन आउट हो चुका हूँ, जैसा खाना खाया हम लोगों ने माशाल्लाह क्या खाना खाया है, पूरा वर्स्ट क्वालिटी गाइस, एकदम बेकार वाला, मूड ऑफ हो गया। ये है गाइस अपना पूजा पंडाल और ये बड़ा सा झूमर और ये माँ का मूर्ति। ओ माय गॉड, पांच बज चुके थे सुबह के और ये था मोस्ट फेमस त्रिधारा का लाइन। सुबह 5 बजे गाइज इतना लाइन मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। बट गाइज आपके लिए कुछ है, आप सोच रहे होंगे मैंने तो विजिट किया ही नहीं ये पंडाल, तो फिर ये कैसे हुआ। तो ये मैं दुर्गा पूजा से पहले ही आ चुका था, उसी का रिकॉर्डिंग तब मैं कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। सो गाइस कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को कैसा लगा ये त्रिधारा का पंडाल। यहाँ से निकलकर हम आते हैं साउथ कोलकाता के द मोस्ट हाइप पंडाल पालीगंज कल्चरल क्लब। और गाइस मैं बता दूं यार, ये एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खड़ा उतरा। पालीगंज कल्चरल क्लब गाइस, ये वाला है पालीगंज कल्चरल क्लब और ये लगता है कुछ बुक्स वगैरह लिटरेसी वगैरह का थीम पर बना हुआ है। इस मंडप के एम्बियंस का भाई क्या ही कहना यार, कुछ जादू सा लग रहा था, कुछ माया सा लग रहा था, आप खुद ही इंजॉय कीजिए। Now I'm gonna reveal Maa Durga. नाइट आउट करते करते कब सुबह हो गई गाइस पता ही नहीं चल रहा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें घर चलना चाहिए। बट घर जाने से पहले बगल में ही था एक छोटा सा मंडप, इसे भी हम लोगों ने विजिट किया। सुबह हमारी ये दुर्गा पूजा का स्पेशल था यार, कानों को क्या ही राहत मिल रहा था यार, ये वाइब्स मैं बता नहीं सकता। आप लोग खुद जब फील करेंगे सामने से तब आपको समझ आएगा ये कितना सूदिंग, कितना वाइब्स इसका रियल। और इसी ढाक के आवाज़ के साथ हमारा नाइट आउट कब डे आउट में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। ये काफ़ी एक अच्छा नाइट आउट था, क्या ही घूमे गाइस हम लोग, वाओ नाइस, सुबह कर दिए घूम घूम के, बैटरी का चार्ज खत्म कर दिए। एडवेंचरस नाइट आउट था, काफ़ी कुछ हुआ इस नाइट आउट में। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरे अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट किया दुर्गा पूजा में, काफ़ी मज़ा आया।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई घूमे हैं इस साल दुर्गा पूजा कोलकाता में, तो अपना अपना नाइट आउट एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये वीडियो, आपको ये कंटेंट कैसा लगा दुर्गा पूजा का, ये दुर्गा पूजा ब्लॉग का, मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताइए। एक लाइक मुझे दे के जाइए, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे ऐसे ऐसे ब्लॉग्स और बनाने के लिए। और उससे भी ज़्यादा गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप लोग जो भी देख रहे हैं नया सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लगातार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए बस। मैं काफ़ी जल्दी मिलूंगा एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।